नमस्कार टाइम मित्र दर्शक मैं ज्योतिदीप बैश्य स्वागत जानसो लकडाउन तृतीय लकडाउन बर्तमान समय चलि यार मजते तृतीय लकडाउन समय विभिन्न शिथिलता प्रदान कर आज राज्य सरकार तरफों विभिन्न शिथिलतार कथा क्या कितने शिथिलता थकिले लकडाउन समय किसु निर्देशना कठोर भावे समग्र देशते बलबৎ कर गृह मंत्रालय तरफ आज एक संबद मेल आयोजन कर संबद मेल गृह मंत्रालय स्पष्टभावे उल्लेख करिछे जे लकडाउन तृतीय लकडाउन समय कि निर्देश आज दिया हुई और कि निर्देश सकुए मानि चल लगे ये मुहूर्त आम अपर तथ्य समूह एटक लिशो प्रथम तो इतना समग्र देश राजहुवा स्थान क्यक्ति गले मास्क परिधान कर बाध्यतमूलक अर्थात सैया लगिले ग्रीन जोने हक ऑरेंज जोने हक रेड जोने हक कोनो व्यक्ति जो राजहुवा स्थान आए समग्र देशते मास्क परिधान लगभग और इया गृह मंत्रालय आज स्पष्ट कर दी समग्र देशर क्यक कथा ना भारत प्रति प्रान बाध्यतमूलक दिया आज संबद मेल पाति नतुनको डायरेक्टिव्स दिया तक एक कथा उल्लेख कर द्वितीय कथा क्या राजहुवा स्थान दो गज की दूरी अर्थात सामाजिक दूरत्व नाइबा सोशियल डिस्टेंसिंग मानि चलार आहवान कर सोशियल डिस्टेंसिंग सीमा दिया दो गज की दूरी दुई गज दूर थकिल आहवान जाना जिसके शिथिलता दिया ग्रीन जोन विभिन्न काम विभिन्न जन कार्यालय गई से कोनोबाय दुकान खुली से किन्तु ए कथा मानि चल लगे भारत जिकोनो प्रांत जदि कोनोबाय थुक हेकार पेलाय यार विरुद्धे एतियारपुरा सरकार और प्रशासन कठोर हम कोनो व्यक्ति भारत राजहुवा स्थान थुक हेकार पेलाब नोवारिबो कोविड 19र बाबे एक कठोर पदक्षेप गृह मंत्रालय तरफ लिया ग्राफिक्स प्ले कर रखीम राजहुवा स्थान पान गुटखा धूमपान तार लगते कोनोधरण सुराजा सा सामग्री सेवन करेत्रो आज निषेधाज्ञा दिया ग्रीन जोन इतिम्य दुकान समूह खुली दिया कितना दुकान समूह एट समय पाँच जनको अधिक लोक समबेत हम नथा स्पष्ट क्या जद दुकान खुली दिया पाँच जनको अधिक लोक एकत्रित हम नगठने लगिले ग्रीन जोनते थक पाँच जनको अधिक लोक कणते समबेत कर ऊपर आईनी व्यवस्था लबले बाध्य हम शिथिलतार मजदूर कठोर निर्देश गृह मंत्रालय तरफ दिया ग्रीन जोन जीत किसु अनुमति दिया ऑरेंज जोन किसु अनुमति दिया विवाह जो अनुष्ठान कोनोबाय पाते पंचाश जनक लोक ये विवाह अनुष्ठान एकत्रित हम नाओ गृह मंत्रालय तरफ स्पष्ट कर दिया पंचाश जनको कम मानु थकबा प्रथम कथा और द्वितीय कथा विवाह अनुष्ठान सामाजिक दूरत मानि चल लगे जदि कोनो व्यक्तिर मृत्यु है तेखेतर शेषकृत्य सम्पन्न करार प्रयोजन है शेषकृत्य सम्पन्न करार क्षेत्रतो बीस जनतको अधिक लोक समबेत हब नोवारिब आज गृह मंत्रालय तरफ जी संबद मेल दिया नतुन डायरेक्टिव्स यू नतुन निर्देशना कार्यालय समूह ग्रीन जोन इतिम्य खुली दियारे देशों विभिन्न प्रांत सिद्धांत लिया कार्यालय समूह लगिले व्यक्तिगत हमको नाइबा सरकार हमको विशेष निर्देशना केन्द्र सरकार समग्र देशते कार्यालय थार्मेल स्केनार मास्क सेनिटाइजार आदि व्यवस्था थकब कार्यालय समूह यार व्यवस्था लगे कर्मचारी कार्यालय समीपवर्ती कोरोना हस्पताल विवरण कार्यालय समूह थकबे अर्थात क्या कार्यालय समीपवर्ती कौन हस्पताल आए एक कथा कर्मचारी जाते सहजते गम पाए तार व्यवस्था लगे सको कर्मचार आरोग्य हेतु एपत पंजीयन लगे ग्रीन जोन कार्यालय खुली दिया कि कर्मचारी आरोग्य हेतु एपत निजर पंजीयन रख लगे इतिम्य सरकार आहान जाना यूह बाध्यतमूलक हिसापे घोषणा कर नतुन डायरेक्टिव्स केन्द्रीय सरकार तरफ दिया जो समग्र देश मास्क पिंध लगे राजहुवा स्थान थुई पेलाले दंडनीय हम यह विभिन्न कथार ऊपर आलोकपात कर नतुन डायरेक्टिव्स समूह आज प्रकाश कर राजहुवा स्थान सामाजिक दूरत नाइबा दो गज की दूरी मानव लगे कोनेও थुक हेकार पेलाब नोवारे कोनोबाय जदि पेलाय आईनमते भारत एतियारे पुरा दंडनीय हम राजहुवा स्थान कोनो हुरा सेवन नोवारिब पान गुटखा धूमपान आदि निषेधाज्ञा आरोप करूहर क्षेत्र तो सरकार कठोर हम दुकान जदिव खुलिबलै दिया दुकानत जदि
এটা সময়ত পাঁচজনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰে, তাৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগিব। কোনো সংগঠনে কোনো কাৰণতে পাঁচজনতকৈ অধিক লোক সমবেত কৰিব নোৱাৰিব, সেয়া লাগিলে গ্ৰীণ জ'নেই হওক। বিবাহৰ অনুষ্ঠান যদি গ্ৰীণ জ'নত অনুমতি দিয়া হয়, পঞ্চাশজনতকৈ অধিক লোক বিবাহৰ এই অনুষ্ঠানত সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে বিশজনতকৈ অধিক লোক একেলগে থাকিব নোৱাৰিব। কাৰ্যালয়সমূহৰ বাবেও বিশেষ নিৰ্দেশনা আছে। কাৰ্যালয়সমূহত থাৰ্মেল স্কেনাৰ, মাস্ক, চেনিটাইজাৰ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। সেয়া লাগিলে ব্যক্তিগতেই হওক নাইবা চৰকাৰী কাৰ্যালয়েই হওক, এই কথা স্পষ্ট কৰিব লাগিব। কাৰ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত কোনখন কৰোণা হস্পিটেল আছে তাৰ বিৱৰণ থাকিব লাগিব। উভতি যোৱাৰ বাবে, অহাৰ বাবে যিসকল তেওঁৰ কৰ্মচাৰী আছে, এই কৰ্মচাৰীসকলৰ আৰোগ্য সেতু এপ থাকিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া ব্যৱস্থা কৰিব কাৰ্যালয়সমূহে, তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আমাৰ লগত এই বিষয়টোক লৈ আজি মন্তব্য আছে। এই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত টাইম ইটৰ দৰ্শকক দেখুৱাই লৈছো। कल आप सबके साथ मैंने गृह मंत्रालय ने जो लॉकडाउन से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए थे उनके मुख्य बिंदु साझा किए थे। आज मैं आपके साथ लॉकडाउन से जुड़े जो नेशनल डायरेक्टिव्स यानी राष्ट्रीय निर्देश हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। सार्वजनिक स्थानों के लिए जो हमने निर्देश जारी किए हैं उसमें सबसे पहले यही है कि सभी को फेस कवर यानी फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर सबको दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंधी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोक है। इन समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपके साथ कार्यस्थलों के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों को फिर से साझा करना चाहूंगी। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर COVID-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए। बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए स्वच्छता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। आशा है इन सब के अनुपालन से हम COVID-19 की चेन को तोड़ पाएंगे।